बोलो। हेलो दोस्तों, मार क्यों रहे फिर? हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल SMR म्यूजिक ऑफिशियल अकाउंट में। और दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ करवा चौथ की शॉपिंग के लिए, क्योंकि कल है व्रत। तो देखते हैं स्वामी जी क्या दिलाते हैं। बोलो बोलो। मार क्यों रहे फिर? तो दोस्तों, अभी मैं हो गई हूँ तैयार। अभी हम लोग निकलते हैं मार्केट के लिए, और टाइम हो रहा है, 4 बज रही है, तो निकलते हैं अभी। कैसे लेके जा रहा है ये? तो उल्टी साइड लेके जा रहा है। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए मार्केट, और स्वामी जी को था मोबाइल वाली शॉप पे काम, क्योंकि उन्होंने अपनी शॉप के लिए वहीं से सामान खरीदना था, तो हमने उन्हें वहीं पे छोड़ दिया। मैं निकल गई मार्केट के लिए, और मार्केट में आज इतना रश था ना करवा चौथ की वजह से, बहुत ज़्यादा, मतलब गाड़ी भी खड़ी करने की जगह नहीं मिल रही थी। तो फिर जहाँ पे मैं खड़ी थी वहीं पे मुझे छोटे बच्चों के कपड़े दिखे, तो मैंने 2 जोड़ी गोली के लिए भी ले लिए, क्योंकि अब थोड़ी सर्दियाँ आने वाली है। वैसे तो उसके पास बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, पर फिर भी बच्चों के लिए तो जितने लो उतने ही कम है। उसके बाद मैंने करी अपनी शॉपिंग, तो ये सूट लिया, और उसके साथ की मैचिंग की चुन्नी लेनी, तो चूड़ी लेनी थी, तो मैं आ गई चूड़ी वाले की शॉप पे, तो उससे फिर मैंने मैचिंग की चूड़ियाँ ली। और ये देखिए, यहाँ पे भी इतनी भीड़ लगी हुई थी ना, बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं निकल गई जहाँ मेरे हस्बैंड जी मोबाइल वाले की शॉप से निकल गए थे वॉच वाले की शॉप पे, क्योंकि उन्हें लेनी थी शॉप के लिए, बहुत सारे वॉच डिमांड पे थे। तो हम लोग भी, फिर उन्होंने कॉल करके बोला कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तुम लोग भी इधर ही आ जाओ, तो मैं भी फिर वहीं चली गई थी गोदाम में। तो ये लोग सिलेक्ट कर रहे थे कि कौन कौन सी वॉच लेनी, मतलब डिमांड की वॉच आई थी तो उतनी लेनी थी। तो एक पेटी तो हमारी हो गई थी, दूसरी वो लगा रहे थे। और ये देखिए मेरे भाई को कितनी नींद आ रही है, नींद भी क्यों नहीं आई, वो सुबह से इनके पीछे पीछे घूम रहा है। तो फाइनली दोस्तों, अभी हमने पेटियां करवा ली है पैक और निकल के घर के लिए। और ये मेरा सामान देखिए, मेरी शॉपिंग तो हो गई है, बाकी इनकी शॉपिंग रहेगी, वो कल करेंगे या फिर रात को आएंगे अपनी शॉपिंग करने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं पहले घर, क्योंकि हमारे पास हो गया था बहुत सारा सामान। और ये देखिए यहाँ भी, मतलब रिक्शा जाने का भी, मतलब इतना सा भी रास्ता नहीं दे रहे थे लोग, इतनी भीड़ थी कल मार्केट। देखो वैसे एक बात तो है, सहारनपुर की मार्केट में अगर तुम 2 बजे भी आओगे ना रात को, तो भी कोई एक आधी दुकान खुली ही रहेगी। तो फाइनली दोस्तों, अभी मैं पहुंच गई थी घर पे, और ये देखिए मेरा इतना सारा सामान और साथ में इनका भी। तो दोस्तों, दिन भर घूमने की वजह से ना इतनी ज़्यादा थकान लगी थी, मन भी नहीं कर रहा था मेहंदी लगवाने का, पर मेहंदी तो लगवानी थी, तो इसलिए मैं आ गई थी पार्लर में। मैंने करवाई थ्रेडिंग और वैक्स, तो अभी मैं आ गई हूँ घर पे, और अब जाके थोड़ा सा फेस पे ग्लो भी आया। तो दोस्तों, ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे करते हैं ब्लॉग को ख़त्म, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।